गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। क्लास 11th आप लोगों ने मैसेज ही नहीं पोस्ट किया सर। क्लास टाइमिंग कितने बजे है? ना अगर मिस हो जाता है तो जस्ट हैविंग अ रिमाइंडर फॉर क्लास टाइमिंग। ओके सर। ओके सर। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। हाँ जी। उसमें बेस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ बोलो सर। कुछ क्वेश्चन में सर ऐसा यूज हो रहा था वेरिएंस और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के जो कंबाइंड क्वेश्चन है ना, तो वहां पर यूज हो रहा होगा सर। वेरिएंस से मैंने जब वो देखा उसका सॉल्यूशन तो वेरिएंस का मतलब फॉर्मूला तो यूज हुआ नहीं उसमें, कुछ और यूज हुआ था सर। मुझे पोस्ट करना है एक बार क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहने के लिए आईआईटी मेन के क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई लेवल पे है। सीबीएसई में भी क्लास 10th एंड 11th। हल्की सी पेस भी हम मेंटेन रखेंगे आज क्लास में, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड। One correct answer. And two correct answers. You know, time up. As soon as I get two correct answers, time up. That means you are slightly late. And three correct answers. Okay. It's Zenith, Siddhant and Rayana. Okay. So, यहाँ पर बेटा देखो हमें जो सम फाइंड करना है, एवरीवन पे टेंशन है ना, टाइम ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए था। अगर इसको सिंपल वे में लिखूं मैं तो ये हो गया हमारे पास है ना, बीटा 5 रेज टू पावर 8 प्लस बीटा 3 रेज टू पावर 8 अपॉन अल्फा 5 रेज टू पावर 8। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे जो है हमारा अल्फा बीटा 5 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा और वो बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना था 64 एंड अल्फा प्लस बीटा इज 256। ठीक है जी, और ये 256 रेज टू पावर 5 बाय 8। अब यहां पर अगर टाइम लग रहा है तो प्लीज है ना, 2 की सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए 12 तक। ठीक है, सो दिस इज 2 रेज टू पावर 8 है ना, सो दिस इज 64 इज अपॉन 2 रेज टू पावर 8 रेज टू पावर 5 बाय 8, तो वो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 64 अपॉन 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 32 होता है, सो दिस इज 2। ठीक है, क्लियर है सॉल्यूशन?
जी बोलो। ठीक है, टाइम इंटरेस्टेड, टाइम क्यों लगा या फिर कहां पर अटके थे आप? एनीवन मैं एक्सपोनेंट क्या अल्फाबेटा कहते हैं, निकालने लग गया था, रूट क्या करने लगे थे आप? निकालने लग गया था, अल्फाबेटा निकालने लग गया था, अच्छा, अल्फा। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने लग गए थे आप। यस ओके 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 ओके, है ना, थोड़ा सा केयरफुल रहना सेम है। विद मी। हाँ यस जी, अभिराज क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं भी इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करने लग गया था। ओके भाई, ये तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है ना। तो हम हमेशा यही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा विल बी हाउ मच? When I'm solving it, if someone has any other way of solving, है ना, कोई दिमाग में चल रहा हो तो please share जरूर करना। ओके नमन, आपका आंसर गलत है। रिपीट अगेन। ओके, नो करेक्ट आंसर्स। अल्फा बीटा तो आ गए, मतलब अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। अच्छा ठीक यस। है, तो फिर ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, है ना। बेसिकली यहाँ पर मुझे अल्फा और बीटा एक ही इक्वेशन में चाहिए, इजेंट इट? ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आपकी बात करूँ, यहाँ पर जो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये बात तो पक्की है कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, है ना। या फिर सबसे पहले आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये कितना होगा बताओ? माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू
माइनस वन बाय टू, क्यों भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं 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 सॉरी, मैं अल्फा बीटा सोच रहा था, है ना? तो माइनस वन बाय टू, ठीक है, और अल्फा बीटा कितना होगा? अल्फा बीटा माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अब हमें एक ही इक्वेशन में अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए, बट हमें जो है वो अल्फा निकालना है बीटा की टर्म्स में, है ना? यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मैं यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू अगर डाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, फोर अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। एग्री कर रहे हैं? यस सर। अब मुझे यहाँ पर बीटा भी कहीं से इंट्रोड्यूस करना है, तो वो बीटा जो है मैं यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कैसे, कि यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि माइनस वन जो है वो किसके इक्वल है, टू अल्फा प्लस टू बीटा के इक्वल है, ठीक है। ये माइनस वन की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूं अगर, तो मेरे पास आ गया फोर अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना? टू अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ टू अल्फा अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ अप्रोच क्या थी, अप्रोच ये थी कि भाई अगर मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बीटा को और अल्फा को एक ही इक्वेशन में लेके आना पड़ेगा, फिर मैं कंपेयर करके उनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने थोड़ा ऑप्शंस को भी यूज किया, ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर मुझे दिख रहा था, तो मुझे पता है कि ये इक्वेशन अगर अल्फा बीटा को सेटिस्फाई, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैंने यहाँ अल्फा स्क्वायर डाल के इसको देख लिया, ठीक है। डन डन, यस ओके। ये बेटा दो इक्वेशन है, क्यूबिक है, है ना? दोनों के तीन तीन रूट्स होंगे, इन दोनों के अंदर जो है कितने कॉमन रूट्स हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन हाउ मेनी कॉमन रूट्स बोथ द इक्वेशंस हैव। ऑफ कोर्स पहली बात ये तो पक्की बात है, एक तो कौन से कितने हैं और कौन कौन से हैं ना, वो भी फाइंड करना है आपको भाई। तीन कॉमन रूट तो हो ही नहीं सकते, तीन कॉमन रूट होते तो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम होती हमारी, है ना? तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स आर वन और टू। इसको क्या हो गया आईपैड को, तो आई एम इंटरेस्टेड कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई कॉमन रूट्स कौन से हैं, एनीवन? हिट एंड ट्रायल, ओके विराज बेटा। हिट एंड ट्रायल में अगर मैंने यहाँ पर आपको बहुत टेढ़ी सी इक्वेशन दे दी ना, जहाँ पर रूट्स जो हैं वो आपके इरेशनल रूट्स हैं, तो आप कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हैं। बिग नंबर छोड़ो, अगर इरेशनल रूट्स दे दिया, मैंने एक इरेशनल कॉमन रूट है, बाकी दो दो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, हाउ यू विल फाइंड, है ना? यू कैन नेवर फाइंड देम। फाइंडिंग अल्फा बीटा गामा रिलेशन, ना ना बेटा, अल्फा बीटा गामा में आपका अल्फा तो कॉमन हो गया, बीटा गामा अलग अलग ले रहे हो आप, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा उसमें। नो वन नो वन नो वन। चलो यहाँ पर एक बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना? दैट फैक्ट इज सॉरी, ये चीज है ना क्वाड्रेटिक में तो फटाक से मतलब काफी वो होती है। हाँ जी जैनी जी, सही, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरी गुड इम्प्रेसिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एफ एक्स की, ठीक है, एफ एक्स अगर मान लो वो हमारा ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, और जी एक्स जो है वो हमारा एक्स माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स माइनस ई है, तो इनमें कॉमन रूट कितने हैं, कॉमन रूट कितने हैं,
और ये जो वन कॉमन रूट है दैट विल, ये जो वन कॉमन जीरो है दैट विल रिमेन द जीरो ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स. आप एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे तो दोनों में x माइनस ए तो कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर में कुछ कुछ माइनस कुछ कुछ बचेगा. ठीक है, तो द फैक्ट गोज इज द कॉमन रूट और कॉमन जीरो ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स विल ऑल्सो बी द जीरो ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स प्लस जी एक्स. समझ में आ रहा है फैक्ट? यस सर. रीजनिंग समझ में आई? तो इन दोनों के बीच का जो जीरो दोबारा बता दो. हाँ बेटा, इन दोनों के बीच का जो जीरो होगा, ठीक है, दैट विल आल्सो बी द जीरो ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्सटी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस सेवेंटी टू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, एक्स माइनस ए जो है, जो फैक्टर x माइनस ए अगर एफ एक्स का फैक्टर है, x माइनस ए जी एक्स का फैक्टर है, देन x माइनस ए इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स. याद है SCF के उसमें हम करते हैं ना, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए कॉमा बी इज सेम एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, है ना, समथिंग सेम इज हैपनिंग हियर. ठीक है जी. यस yes. देखो यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं. मान लो मैंने किया यहाँ पर x माइनस सेवन एंड x माइनस थर्टीन इज जीरो, और एक मैं ले रहा हूँ x माइनस सेवन एंड x प्लस इलेवन इज जीरो. दो इक्वेशन बन गई ना मेरी. ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स एंड प्लस नाइन्टी वन इज जीरो. This is x square minus 77x. Sorry, x square plus 4x minus 77 is 0. ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट क्या होगा. ठीक है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x square minus 20x plus 91 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवेंटी सेवन इज जीरो. आप समझ गए, इनको आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट करो कि भाई एक्स इन माइनस सेवन एक्स माइनस थर्टीन माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज जीरो. दोनों में कोई फर्क है क्या, कोई डिफरेंस है? नो सर. नो सर. नहीं ना. तो जो कॉमन रूट है दैट रूट और दिस कॉमन फैक्टर विल रिमेन फैक्टर ऑफ द इक्वेशन अहेड. ये हमारा x माइनस थर्टीन माइनस एक्स माइनस इलेवन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. आप समझ गए? yes. तो जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है, दैट इक्वेशन विल हैव सेम रूट एज द कॉमन रूट. जो कॉमन रूट होगा ना वो उस इक्वेशन का रूट 100% होगा. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स एंड दिस इज प्लस नाइनटी वन प्लस सेवेंटी सेवन, सो दिस इज प्लस वन सिक्सटी एट इज जीरो. ठीक है ना, तो किससे डिवाइड होगा, ट्वेल्व से, सो माइनस ट्वेल्व वन ट्वेंटी एंड वन फोर्टी एट सेवन से, ट्वेंटी फोर से ही जा रहा है ना, माइनस एक्स एंड माइनस सेवन इज जीरो, सॉरी प्लस सेवन इज जीरो. तो एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू सेवन. दिस इज द कॉमन रूट और कॉमन जीरो फॉर दिस इक्वेशन, है ना सर? हाँ जी सर. अगर हमें क्वेश्चन दिया हो और ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉमन रूट हो ही ना, तो क्या होगा? नहीं तो कॉमन रूट नहीं होगा, तो आप डाल डाल कर देखोगे ना, पहले चेक करोगे आप. यहाँ पर ये जो x इक्वल टू सेवन आया है, दिस नीड नॉट टू बी द करेक्ट आंसर, है ना. आपको इस x इक्वल टू सेवन को इन दोनों इक्वेशन में डालकर देखना पड़ेगा क्या x इक्वल टू सेवन इन दोनों का सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर x इक्वल टू सेवन दोनों का सॉल्यूशन है, देन यू विल से
एक्स इक्वल टू सेवन इज आर आंसर, अदरवाइज देयर इज नो सॉल्यूशन। अब यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो जीरोज आएंगे ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमें आता है। तो ये जो यहाँ से जो दो जीरोज आएंगे आपके पास अल्फा और बीटा, इन दो जीरोज को आप यहाँ डालकर देखोगे वन बाय वन, क्या वो दोनों दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। अगर एक कर रहा है तो एक कॉमन रूट है, दोनों कर रहे हैं तो दो कॉमन रूट है। ओके सर, ठीक है, सभी को समझ में आया? अंगद अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नोट करना ना, नोट रिकॉर्डिंग चेक करके नोट किया करो, है ना, इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम अपना, है ना भाई। सब एग्री कर रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं, सीखते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग चेक करके आपने कॉपी नहीं किया तो सब भूल जाओगे, है ना, एवरीथिंग इज जीरो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप नोट कर लेना। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग जीरो करेक्ट आंसर्स, है ना, रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट। तीन चार हैंड रेज होंगे तो मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मॉडुलस ऑफ एक्स, अगर मॉडुलस ऑफ माइनस फाइव बोलते हैं तो वो फाइव होता है, मॉडुलस ऑफ फाइव वो भी फाइव है। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर हम इसको एक्चुअली लिख सकते हैं नाइन टाइम्स ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 18 मॉडुलस एक्स प्लस 5 इज जीरो। तो 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 5 इज जीरो, है ना। यहाँ पर y को इक्वेशन को सॉल्व करो। ऑल्सो एक फैक्ट आप जो आगे यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ x इज 7, इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। अगर मैंने बोला बेटा मॉडुलस ऑफ x इज माइनस 5, इसका क्या मतलब है, क्या सॉल्यूशन है इसके, एनीवन? नो सॉल्यूशन, नो नो सॉल्यूशन, है ना, माइनस फाइव कभी हो ही नहीं सकता वो। सर मेरा आ गया। हाँ तो सर कैट बॉक्स, आंसर तो वेदांत का भी आया बट इट्स रॉन्ग, कुशाग्र इज रॉन्ग, मैं पहले ही बोला था आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी लेस करेक्ट आंसर्स, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर व्हिच आईआईटी इज फेमस फॉर। हाँ जी, जेनिथ इज करेक्ट। सेकेंड अटेम्प्ट भी अलाउड है अभी। हाँ जी कुशाग्र करेक्ट। हाँ जी वेरी गुड जैनित, सिद्धांत आपका गलत हो गया। सिद्धांत माइक पर आओ बेटा, है ना। वाई को हमने क्या ज्यूम किया था, मॉडुलस ऑफ एक्स को हमने वाई लिया था ना 1/3, तो बताओ एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3, है ना। और यहाँ पर वाई जो है वो 5/3 है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स कितना हो गया बेटा 5/3 एंड एक्स इज प्लस माइनस 5/3। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है? हाँ जी त्रिशा करेक्ट। सिद्धांत कितने सॉल्यूशन है? फोर सॉल्यूशन है। ये कहने के लिए क्वाड्रेटिक है बट मॉडुलस है तो इसके अंदर फोर सॉल्यूशन है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब सारे रूट्स का प्रोडक्ट। अंडरस्टूड दिस? यस सर।
तो इन सब का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा 25/81 है ना। तो जेनिथ इज शेयरिंग द फैक्ट, शी इज सेइंग कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स जहां पर भी होगा सॉल्यूशन प्लस माइनस की फॉर्म में होंगे, और सॉल्यूशन अगर प्लस माइनस की फॉर्म में होंगे तो जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे, प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑप्शंस डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। इन केस यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो आप इन दोनों में अकड़ पकड़ करके जो है या लेफ्ट राइट करके टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं पर ना छोटा छोटा लिख लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉडुलस ऑफ एक्स विल हैव फोर सॉल्यूशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। पॉइंट रिपीट करना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज सेम एज ए मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो विल हैव फोर सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, डन। यस इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस। ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया है ना, कुशाग्र बताएगा कैसे करेंगे। कुशाग्र कुछ नहीं, यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, इसको बस उस फॉर्म में लिखना है, एलसीएम ले लेंगे। हाँ बस एलजेब्रा यूज होगा और कुछ नहीं होगा, है ना भाई, क्लियर है सबको, कोई इश्यूज तो नहीं है। सर एक बार बता दें तो अल्फा इंटू वन माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे से वन माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये तो आप कर ही सकते हैं, और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर ये तो डायरेक्ट है ना, सिर्फ न्यूमरेटर की बात रह गई। तो न्यूमरेटर जो है वो आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, देख लो किसी को इश्यूज तो नहीं है ना। नो सर। ओके ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लग रहा था, ये देख लेते हैं। इफ अल्फा ओके इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस वन बाय अल्फा वन बाय बीटा रूट्स ऑफ दिस then value of this is this in terms of p and q is what? पहले तो p और q में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कुछ? सिर्फ p और q में रिलेशन बताओ पहले भाई, बाकी काम छोड़ो। P by Q is equal to 2। हाँ जी, P by Q is equal to 2 है ना, ये तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस P है एंड 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा दिस इज माइनस Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा by अल्फा बीटा इज माइनस Q। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? माइनस P एंड अल्फा बीटा इज 1/2, दिस इज माइनस क्यू। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज पी इज
इक्वल्स टू क्यू बाई टू, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, सम ऑफ द रूट डिंग 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 डिनोमिनेटर टू होएगा, हाँ जी ठीक है, पी इज इक्वल्स टू टू क्यू ठीक है। ये रिलेशन में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखोगे ना आप, ये P है यहां पर Q है, और सॉल्यूशन में जो है कहीं पर भी P Q दोनों यूज नहीं हुआ है। अगर दोनों यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं जो है P को Q से या Q को P से रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये रिलेशन निकाला है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस वन बाय अल्फा बीटा, एंड दिस इज अल्फा बीटा प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाय अल्फा बीटा ना। तो यहां पर जो है दिस इज योर अल्फा बीटा प्लस वन बाय अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, एंड दिस इज अल्फा बीटा प्लस वन बाय अल्फा बीटा प्लस टू। आप सबकी वैल्यूज डाल देंगे, आप सबकी वैल्यूज डाल देंगे है ना। हमारे पास यहाँ पे आ ही रहा है अल्फा बीटा, कितना आ रहा है आपके पास बेटा, यहां से देखेंगे तो अल्फा बीटा इज टू एंड वन बाय अल्फा बीटा दिस इज वन बाय टू है ना। चलो अल्फा बीटा टू आ गया, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दें, अल्फा प्लस बीटा जो है यू कैन पुट आइदर पी और क्यू की टर्म्स में आपको अल्फा प्लस बीटा डालना होगा। सो दिस इज योर टू प्लस वन बाय टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एंड दिस इज टू प्लस वन बाय टू प्लस टू। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके सर, ये ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, ट्रिकी नहीं है ये, हाँ ये इजी इजी सा लगा मुझे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर x square का coefficient कैसा है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो इसका ग्राफ जो है वो बेटा कुछ ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है, ऐसे जाकर कुछ ग्राफ बनेगा। सो इट सेज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल जीरो एंड वन, जीरो एंड वन के बीच में एक रूट होना चाहिए उसका, एग्जैक्टली एक रूट। ठीक है, अब वो जो है अगर मैं इसको जीरो ले लूं और इसको वन ले लूं तो ये ग्राफ या तो बेटा आपका ऐसे जाएगा है ना, और या फिर ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जीरो और वन के बीच में एग्जैक्टली एक रूट मेरा इसी वे में आ सकता है। एग्री कर रहे हैं सब यहाँ पे? यस सर। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर बात करूंगा तो यहां पर मेरा f जीरो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या था, अगर मैं बात कर रहा हूं f जीरो की, ठीक है, तो ये जो है ये तो मेरा f x है, पॉजिटिव? नहीं नहीं बेटा ऐसे इतनी जल्दी नहीं, ये x है। मैं कह रहा हूं x को अगर मैं जीरो रखूंगा तो f x क्या होगा, x को जीरो रखा तो f x कितना आ रहा है मेरा? नेगेटिव। नेगेटिव, और मैं अगर x को 1 रख रहा हूं तो f1 कितना आ रहा है मेरा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, अगर मेरा एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो f0
and F1 will always have different signs. ये स्टेटमेंट समझो. ठीक है, यहां पर अगर मैं बेटा ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा था तब भी F0 जो है वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर एक जीरो है तो वो पक्का x एक्सिस को कट करेगा, और F1 जो है वो F1 आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, किसी को ग्राफ में इश्यूज तो नहीं है ना बेटा? भाई देखो, अगर ग्राफ ये ऐसे होता है, इसका क्या मतलब है कि fx, आपने fx में fx equals to, let's say, ax square plus bx plus c, आपने fx में 1 डाला तो फिर वैल्यू क्या आएगी? fx में आपने x को 1 डाला तो ये जो वैल्यू है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है, दोस कोऑर्डिनेट्स आर 1 कॉमा f1, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना. यहां पर देखेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा f3. अब समझ में आ रहा है? यस सर. तो अगर एक रूट जो है इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है जो ग्राफ है उसने x एक्सिस को कट किया है. अगर उसने x एक्सिस को कट किया है तभी तो रूट लाई करेगा. तो आपका जो fx है वो उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे ना, अलग अलग होंगे, मतलब साइन अलग अलग होंगे. अगर साइन अलग अलग है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो नहीं पता, बट एक बात कंफर्म है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? नेगेटिव. नेगेटिव होगा हमेशा. ठीक है, छोटा सा पॉज है, देख लो. ठीक है एडविक बेटा, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, है ना? अगर पूछोगे नहीं तो फिर बात जमेगी नहीं. ठीक है, एक्सप्लेन कर दे. हाँ जी, ओके सिद्धांत, आई एम सेइंग बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स मेरा क्वाड्रेटिक है और इसके जो रूट्स हैं वो 2 और 5 के बीच में इसका एक जीरो लाई करता है. ठीक है, इसका मतलब है कि समवेयर बिटवीन 2 और 5 एफ एक्स के ग्राफ जो है वो इसको कट करेगा. इस बात को मानते हैं आप? यस सर. तभी तो रूट लाई करेगा. अब ये ग्राफ अगर ऐसे कट करेगा तो इसका मतलब है कि अगर एफ टू हमारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो एफ फाइव की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि कट करके वो दूसरे उसमें चला गया है. या फिर ये कट जो है वो ऐसे करके ग्राफ बनेगा, है ना? और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई अगर F2 नेगेटिव है तो F5 जो है वो पॉजिटिव होगा. ये बात हमें कंफर्म हो रही है कि F2 और F5 दोनों के साइंस जो है वो अलग अलग होंगे. ओके सर. F0 बताओ कितना है यहाँ पर? टू. F02 है. ठीक है, F0 क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. अगर F0 पॉजिटिव है तो F1 डेफिनेटली नेगेटिव होगा. आप समझ रहे? तो F1 इज नेगेटिव. F1 कितना है? x को 1 डालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इस ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है ना. लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, इसको आप प्लॉट करेंगे तो यू हैव गॉट 1 इज देयर, यू हैव गॉट 3 इज देयर. ठीक है, इक्वालिटी है तो दिस होल्ड्स, ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएंगे. लेस देन 0 है ना. पहले तो लैम्डा के साइन, लैम्डा के कोफिशिएंट जो है वो दोनों पॉजिटिव है. ठीक है, हमें हमेशा कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने होते हैं, गुड इनफ. अब राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. इक्वालिटी देखो, इक्वालिटी में लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स और सॉरी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू 1, 3. लैम्डा इसके बीच में अगर लाई करेगा तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 0 और
वन के बीच में आएंगे, ठीक है। अब ये यहां पर ये बोल रहा है कि जीरो और वन के बीच में होना चाहिए इन द इंटरवल। अब ये जो इंटरवल है इसने ओपन दिया है, अगर ये इंटरवल ओपन है तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना, ये हमेशा ये होगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, तो इट हैज टू बी बिटवीन वन एंड थ्री, ठीक है। ये आपने प्लॉट करके क्या करा था? हाँ जी बेटा। सर आपने प्लॉट करके कैसे डिराइव मतलब निकाला है आगे कर आगे कैसे निकाला सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन? नो सर, जैसे थ्री और वन आया तो फिर उसके बाद आपने प्लॉट क्या किया? यहाँ पर थ्री और वन आया ना, उसके बाद मैंने इनइक्वालिटी लगाई है, तो थोड़ा सा यू विल हैव टू इग्नोर इट, ठीक है, इलेवेंथ का टॉपिक है। ओके सर। और आपने ये जो वन वन कॉमा थ्री जो निकाल लिया सर, इसके वैल्यू उसके बाद क्या किया सर? ये जो इनइक्वालिटी से आ गया मतलब? हाँ तो बस उसके बाद हमने आंसर टिक कर दिया। आपने कुछ बताया ना इक्वालिटी वाला, वो क्या था? कहाँ से बताऊं? बताओ यहाँ से बताऊं? नहीं सर, जो हमने जो आंसर निकाल लिया सर, उसके बाद आपने वो क्या कहते हैं ब्रैकेट चेंज? मैं ये कह रहा था ब्रैकेट चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ना वन रूट इन द इंटरवल बोल रहा है, इस इंटरवल के अंदर है, और ये इंटरवल जो है ये आपका ओपन ब्रैकेट है, तो मतलब जीरो या वन जो है वो वन ऑफ द रूट नहीं हो सकते। अगर जीरो और वन वन ऑफ द रूट नहीं हो सकते तो ये प्रोडक्ट जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना, ये प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा हमेशा। अंडरस्टूड? दोबारा बता दो बेटा, ये वन रूट इन द इंटरवल अगर ये ऐसे देता तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जीरो से वन तक और जीरो और वन इंक्लूडेड है। जीरो और वन इंक्लूडेड है, जीरो और वन इंक्लूड होंगे तो ही आपका एफ जीरो जो है वो जीरो हो सकता है या एफ वन जीरो हो सकता है। Yes. तो जब F0 या F1 कभी जीरो हो ही नहीं सकते तो हमें इनको नेगेटिव लेकर ही चलना पड़ेगा। इक्वालिटी वाला साइन मैंने हटा दिया। अच्छा ओके हाँ ठीक है। यस सर। तो सिद्धांत मुझे रिमाइंड कराना है ना, मैं लीनियर इक्वेशन की इनइक्वालिटी की आपको वीडियो भेज दूंगा तो आप उसमें एक बार गो थ्रू कर लेना बेटा प्लीज। हाँ सर। हाँ जी। जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे सर दो क्लास बाद, सर उसमें भी ऐसे आईआईटी के मतलब वो लोगे ना? हाँ सर। उसमें सर वो डीएमटी करा दोगे एक बार? मेरे को भेज देना आप, मैं ना मैसेज कर देना, मैं भूल जाता हूँ। ओके जी। अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। एस एन जो है वो अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन है। यू हैव टू फाइंड व्हिच सॉल्यूशन होल्ड्स ट्रू, है ना, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो होल्ड्स ट्रू करता है। बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा मुझे जो चीज चमक रही है ना वो ये चमक रही है कि यहाँ पर 5-6 है, यहाँ पर 5-6 है, या फिर दूसरी जगह पर 6-5 है, है ना, ये चीज बस एक चमक रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं सी और डी में से अगर आंसर को देखूं तो मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है, है ना, ये वाली वैल्यू अगर मेरी प्लस में आ रही है S4 में या माइनस में S4 में आ रही है, अगर किसी में भी नहीं आ रही है फिर मैं इस वैल्यू पर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 की ये बात कर रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 5 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज टू पावर 6 प्लस बीटा रेज टू पावर 6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5,
एग्री कर रहे हैं? यस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 alpha square plus 6 alpha, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है जी। यस। तो यहाँ पर हम क्या करें, 5 alpha square plus 6 alpha raised to power 5, क्या कॉमन निकालूं मैं? alpha raised to power 4, ताकि ये चाहिए ना मेरे को, तो अल्फा स्क्वायर 6 alpha, तो ये कितना हो गया, 5 alpha square plus 6 alpha, है ना। सेम वे में दूसरे उसमें लेंगे हम तो प्लस बीटा रेज टू पावर 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 5 beta square plus 6 beta आ गया, है ना। दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 plus beta raised to power 4 into 2, so this becomes 2 times of S4। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। सर आपने किस बेसिस पे उस ऑप्शन पे मतलब वर्क किया? किसी बेसिस पे नहीं किया। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, दैट इज ये आपके पास है ना 5x raised to x square plus 6x minus 2 equals to 0, दोनों साइड अगर आप x raised to power 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5x raised to power 6 plus 6x raised to power 5 minus 2x raised to power 4। एग्री कर रहे हैं? अल्फा बीटा की वैल्यू डालो, 5 alpha 6 plus 6 alpha 5 plus 2 alpha 4, है ना, एंड 5 beta 6 plus 6 beta 5 minus 2 beta 4, इनको ऐड कर दो तो 5 times of S6 plus 6 times of S5 is equals to 2 times of S4। डन, कोई डाउट हो तो बताओ, कॉपी करने में टाइम वेस्ट मत करो, है ना, समझने में सिर्फ। क्लास के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो फिर कॉपी कर लो। नो डाउट्स? नो सर। ओके। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, अप्रोच कैसे होगी, किसी को क्लिक करे तो बताना मुझे। ओके, ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट आईआईटी, इन कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, जब भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, है ना, मैं लिख रहा हूं अगर 5x raised to power 4 plus 3x raised to power 3 minus 7x square plus 3x minus or plus 5 is 0, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एनीवन? ये क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है हर बाय क्वाड्रेटिक के लिए। यहां पर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज सेम है ना, और ये चीज सेम है, है ना। तो अगर ये सेम होता है तो आप इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x² + 3x - 7 + 3x + 5x² = 0. ठीक है, दिस इज 5 times of x² + 1/x² + 3 times of x + 1/x - 7 = 0. And then you proceed with let x + 1/x = y. Therefore, x² + 1/x² = y² - 2. ये जब आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करें y की वैल्यू यहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक आएगी x की टर्म में. एंड देन यू विल गेट योर टू इक्वेशंस मिलेंगे ना, टू वैल्यूज ऑफ y आएंगी, टू वैल्यूज ऑफ y में हर वैल्यू ऑफ y पर फिर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x एंड यू विल गेट योर फोर रूट्स. ठीक है, दिस इज हाउ टू सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स फ्रॉम ईच एंड इज सेम. सर बोलो बेटा. सर हमने x स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया? x स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कोफिशिएंट दोनों एंड से सेम है ना, तो यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर से डिवाइड करने पर जो आएगा वो x² + 1/x² आ जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पर ये कोफिशिएंट इनका सेम है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x + 1/x आ जाएगा, जो कॉमन कोफिशिएंट है वो मेरा बाहर आ गया. ठीक है जी. यस सर. ऐसे क्वेश्चन सर आपने वो वाला क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में किससे डिवाइड करोगे आप, एक्स स्क्वायर से? मतलब नहीं सर, मेरा वो क्वेश्चन था. हाँ, ई रेज टू पावर 2x से डिवाइड करोगे बस, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे. ओके ठीक है, बियॉन्ड मी टू सॉल्व इट, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट कवर हो गया तो आप आगे ट्राई करो. ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले ई रेज टू पावर एक्स को जो है आप y अज्यूम कर लें, है ना, तो पूरी इक्वेशन आपकी हो गई y^4 + y³ - 4y² + y + 1. अब आप पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा y² + 1/y² + y + 1/y - 4 = 0. अब आप y + 1/y को की रिज्यूम कर लें, है ना, तो की दिस विल बी k² - 2 + k - 4 = 0. सो यू विल गेट k² + k - 6 = 0. ठीक है, तो k² + 3 k + 3 k - 2 = 0. ठीक है, तो अब आपके पास k आ गया, k इज आइदर -3 or k = 2. ठीक है, फिर आप यहाँ पर पहले k की वैल्यू डालें y + 1/y - 3 एंड यहाँ पर डालें y + 1/y = 2. ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करें. ओके सर. The least positive value of a for which the equation this has real roots. ठीक है, यहाँ पर एक वो आ रहा था ना हमारा y + 1/y = 2. ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि y की जो
अगर y पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज 2। खैर एनीवेज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। ठीक है जी। यस सर। बट यहां पर y क्या था हमारा, e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। e रेज़ टू पावर x जो है वो पॉजिटिव टर्म है। e कितना है, 2.713 समथिंग लाइक दिस, है ना। यूलर्स कांस्टेंट है ये e। एक्स कुछ भी डाले, पॉजिटिव 0 -1 कुछ भी डालें, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैन नेवर बी इक्वल्स टू नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ई रेज टू पार एक्स प्लस 1/e^2 इज 2, तो यहाँ पर जो है ई रेज टू पार एक्स जो है वो 1 आ गया और एक्स जो है वो 0 आ गया। तो एक्स इक्वल टू 0 इज द आंसर। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं तो 1 सोल्यूशन है इसका, ठीक है। कुछ अगर पूरा सॉल्व ही करा लिया आपने। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। जो थोड़ा सा भूले भटके बैठे हैं उनके लिए एक स्टार्टिंग है। रियल रूट्स इज व्हेन डी इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 2 एंड c इज 33/2। अब ये 2ab तो है यहाँ पर, so 33/2 -2a, this is greater than equals to 0। देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। तो आनिया यू हैव लॉस्ट 4 marks, नॉट बिकॉज यू आर नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू रियलाइज IIT का क्वेश्चन है तो 2 बार पढ़ के फिर आंसर करना है। हाँ जी, गुड वन जैन। अंगद ने भी स्मार्टनेस नहीं दिखाई। अभिराज ने भी नहीं दिखाई है, ठीक है भाई। एक बार क्लास 10th है ना, एक बार देखें बेटा, ये जो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं बेटा, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो स्टेप होता है, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जो कॉफिशियंट है इनको पॉजिटिव बनाएं आप, है ना। अगर यहाँ 8 - a होता तो पहले मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाता। कॉफिशियंट पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज ये जो फैक्टर्स की जो जीरोज है उनको नंबर लाइन पर प्लॉट करें। नंबर लाइन पर जब मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो दिस इज 8 and this is -4। Third step is आप चेक करें क्या इक्वालिटी इन्वॉल्व है। अगर इक्वालिटी इन्वॉल्व है तो दीज आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज आप राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मार्क करेंगे। देन फिफ्थ स्टेप इज आप ये चेक करेंगे क्या इनइक्वालिटी में ये पॉजिटिव की बात कर रहा है या नेगेटिव की बात कर रहा है। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव पार्ट ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर -4 दिया है, जबकि ये पूछ रहा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन विल सेटिस्फाई।
तो ये सारी तो नेगेटिव वैल्यूज है ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 8। हाँ जी खुशाब, क्लियर है सबको? यस सर। ओके लेट्स क्वेश्चन, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है हमारा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इस पे हम वापस दोबारे आते हैं। इसमें ट्रिगो यूज हो गई है, इसमें भी ट्रिगो यूज हो रही है, ये ठीक ठाक लग रहा है। चलो जी सॉल्व दिस क्वेश्चन। I'm looking forward any one of you ki start kaise karenge so that it helps others. Sir, 2x ko y le lenge. 2x ko y loge to yahan par aapka modulus of y minus 1 aa jayega, usme fir aapko case bana bana kar solve karne padenge. Theek hai, वैसे solve ho jayega, bilkul sahi ho jayega, but better kya hoga, kisko le hum y? 2 power x minus 1. 2 raised to power x minus 1 को impressive है ना, तो ये हमारा हो गया 5 plus modulus of y is equals to 2 raised to power x, कितना हो जाएगा हमारा, हमने लिया है y is equals to 2 raised to power x minus 1, so this is y plus 1 है ना, and this is y minus 1, solve करें। मैं मॉडुलस वाला आपको बता देता हूँ एक बार सॉल्व कैसे करते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। y square minus 1 minus 5 modulus of y is equals to y square minus 6। तो यहाँ पर बेटा दो केस बनेंगे है ना, पहला केस कि अगर y जो है ग्रेटर देन जीरो है, अगर y ग्रेटर देन जीरो है तो ये मॉडुलस ऑफ y क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें और जो भी आंसर आपका ग्रेटर देन जीरो है वो वैलिड आंसर हो जाएगा है ना, तो दिस इज y माइनस 3 एंड y प्लस 2 इज 0, तो y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 वाला हम रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में, हाँ जी क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले ना, इफ y इज ग्रेटर देन 0, सेकंड केस बनाएंगे इफ y इज लेस देन 0, अगर y 0 से कम है तो मॉडुलस ऑफ y जो है वो माइनस y के इक्वल होगा, y स्क्वायर माइनस 6, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज 0 है ना, तो y प्लस 3 एंड y माइनस 2 इज 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 3, y इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस 3 वाला अगेन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया है, इफ y इज ग्रेटर देन 0, तो y लेस देन 0 वाले ऑटोमेटिकली हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, वो उल्टा नहीं होना चाहिए, अब सॉरी लेस देन 0 ना, ओहो नहीं ठीक तो है, y लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, पर 2 का कैंसिल हो जाएगा ठीक है, लेकिन हमने y को क्या अज्यूम किया होता, 2 रेस टू पावर x माइनस 1, तो 2 रेस टू पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 2 रेस टू पावर x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, सेकंड क्या आया हमारा, 2 रेस टू पावर x माइनस 1 इज माइनस 3, 2 raised to power x is equals to minus 2, फटाफट बताओ यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी गुड जेनिट,
अदर्स माइक यूज करो फटाफट बताओ मुझे एक्स की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी बाकी चैट बॉक्स में भी आंसर नहीं आ रहा है, माइक भी यूज नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस कम है ना, कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ जी नो वैल्यू इज पॉसिबल है ना, टू इज पॉजिटिव नंबर, उसकी कोई हम कोई पावर रखेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। कई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, एक्स इक्वल टू टू आ गया तो ये हमारा आंसर हो गया, फिर वो देखते नहीं है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा है ना, ये आंसर कराते हैं तो जबकि गलत हो गया हमारा आंसर है ना, नंबर ऑफ रियल रूट्स दिस इज द राइट आंसर। तो एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉट ओनली आईआईटी, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड स्लोली। ओके रेडी नेक्स्ट वन, ये तो ठीक ठाक लग रहा है। टू माइनस रूट थ्री इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, तो कौन सा रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा, पी एन क्यू आर रियल नंबर्स। ठीक है यहाँ पर पी एन क्यू जो है वो रियल नंबर की जगह रैशनल नंबर होना चाहिए ना, तभी बात बनेगी हमारी। पी एन क्यू रैशनल नंबर है तो अगर एक रूट टू माइनस रूट थ्री है तो दूसरा रूट क्या होगा बेटा, पी प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट। ठीक है तो ये ध्यान रखें, अगर किसी क्वाड्रेटिक के है ना, अगर कोफिशिएंट, अगर मैं क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, एक मिनट बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक छोड़े अगर कोई भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल है उसमें अगर ए बी सी आपके जो है वो रियल नंबर है, सारे कॉफिशियंट अगर रियल है, देन यू विल से देन इमेजिनरी रूट्स वो हमेशा पेयर्स में होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, और अगर ए बी सी आपके जो है वो रैशनल नंबर है ना, तो आपके जो इमेजिनरी सॉरी जो इरेशनल रूट्स हैं, अगर इरेशनल रूट्स हुए तो वो पक्की बात है वो पेयर में होंगे और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है जी, हाँ जी बोलो सिद्धांत सर। दूसरा रूट क्यू इंटू टू प्लस रूट थ्री होगा, क्यू इंटू टू प्लस रूट थ्री, क्यों भाई सर, एक टू माइनस रूट थ्री है तो दूसरा वाला जो होगा दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्यू होना चाहिए। हाँ तो यहाँ से तो बल्कि वैल्यू निकालेंगे यार पी और क्यू की, आप समझो अगर ये आर जो ये रैशनल नंबर के लिए है ना, अगर पी और क्यू रैशनल हैं तो इरेशनल रूट्स विल ऑलवेज बी इन पेयर एंड कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो दूसरा रूट जो है वो टू प्लस रूट थ्री हो गया, बात खत्म। ठीक है तो यहां से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, p की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, हेलो माइनस फोर है ना, p इज सम ऑफ द रूट्स ना, माइनस p इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, और q कितना हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, टू माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री, तो q कितना हो गया वन हो गया। अब p इक्वल टू माइनस फोर क्यू इक्वल टू वन देख लो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है वो बात दोबारा बता दोगे जो आपने राइट में लिखी हुई, बेटा देखो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहा हूं है ना, मैंने पॉलिनोमियल लिखी है थ्री एक्स इज टू पावर फाइव माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके कितने रूट्स होंगे बताओ, फाइव रूट्स होंगे। ठीक है अब इन फाइव रूट्स में जितने भी, क्योंकि यहां पर सारे के सारे कॉफिशियंट मेरे रैशनल है, कोई रूट में तो नहीं है ना, रूट थ्री करके रूट फाइव करके नो सर, अगर सारे के सारे कॉफिशियंट रैशनल होते हैं देन
इसके जो इरेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स, वो हमेशा पेयर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक इरेशनल है, हमेशा दो इरेशनल होंगे और वो हमेशा साथ में कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर एक इरेशनल जो है वो 2+√5 है तो दूसरा 2-√5 होगा, अगर एक √3+2 है तो दूसरा क्या होगा, √3-2 ना, −√3+2। कॉन्जुगेट में इरेशनल पार्ट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके सर, ठीक है। सेम वे में आपके अगर सारे के सारे कॉफिशियंट्स रियल नंबर है, ठीक है, √3 अब यहां पर ये वाली चीज है ये फेल हो गई है ना, क्योंकि हमारे पास कॉफिशियंट इरेशनल आ गया ना। yes. तो लेकिन यहां पर इन दोनों में जो चीज अलाउड होगी वो ये कि इमेजिनरी रूट, अगर कोई इमेजिनरी रूट है तो वो पेयर में होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, मतलब दो इमेजिनरी होंगे और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अगर एक √5+3i है तो दूसरा √5-3i जरूर होगा, अगर एक √10i है तो दूसरा √-10i जरूर होगा। अब समझ में आया? यस सर। तो लिख लेना ये है ना फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बुक जो भी है आपकी। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मैं बाद में बताता हूँ उसमें ना। कॉन्सेप्ट होता है टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ, जितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतने नेगेटिव रूट्स होते हैं। चलो मैं एक बार चेक करके बताऊंगा आपको, है ना। समझ में आ रहा है? ज्यादा फास्ट हो रही है क्लास तो मुझे बता देना बेटा, है ना, फिर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाऊंगा। If m is chosen in the quadratic equation such that sum of its roots is greatest, then sum of its root is greatest. Okay. Then the absolute difference of cubes of its roots is, cubes of its roots का absolute difference. आपको जो find करना है, है ना, वो आपको α³-β³ फाइंड करना है, ठीक है। और α³-β³ आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे α³-3α β - α, sorry, +3α β - α β। बट अभी m की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ इट्स रूट इज ग्रेटेस्ट, सम ऑफ द रूट कितना होगा, −3/(-b/a)² + 1। ये वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी, ये ग्रेटेस्ट तब होगी जब ये लीस्ट होगा, ये डिनोमिनेटर लीस्ट कब होगा, जब m स्क्वायर 0 होगा, है ना। तो m स्क्वायर इज 0, इसका मतलब है m जो है वो 0 आ गया है, ठीक है। Yes, तो दो पार्ट में था क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यूज करके m की वैल्यू निकालनी थी। ये m की वैल्यू जो है निकालना, ये क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है ना, डिनोमिनेटर लीस्ट होगा तो नंबर मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। अब आपके पास m 0 आ गया तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन है x²-3x+1=0। तो यहां से आप जो है α+β निकाल सकते हैं, α β निकाल सकते हैं, α-β निकाल सकते हैं, है ना। α-β कितना होगा आपका, दिस इज +-, ठीक है, α+β² -4α β, ठीक है।
ये वैल्यू आप यहां डालेंगे तो प्लस माइनस का फिर वो फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस की इसीलिए बात कर रहा है कि ताकि एक ही आंसर आए हमारा। ठीक है, आगे कर लेंगे आप। अरे एक मिनट देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्यूशन समझ लो, आई विल डिस्कस इट अगेन इफ रिक्वायर्ड। यस सर, यस सर, आ गया समझ आ गया। यस सर। सर अल्फा माइनस बीटा जब आपने लिया तो प्लस माइनस क्यों लगाया था वहां पे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। अदरवाइज आप देखोगे तो आप ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। फिर आप इसको लिखते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा। फिर आप इसको लिखते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, है ना। बट ये स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, रूट तो लगाया ही नहीं था हमने। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। अब ठीक है, ओके सर। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस का सम क्या होगा? थोड़ा सा लंबा लग रहा है यार, यहाँ पर मॉडुलस भी है, रूट एक्स भी है। हम रूट एक्स माइनस फोर को बाय मान लें, रूट एक्स माइनस फोर के टर्म्स में लिख लेंगे सबको। हाँ, बट फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ पर देखो ये रूट एक्स वापस आ जाएगा तो वो फिर वाई प्लस करके आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर है ना तो रूट एक्स माइनस टू को वाई मान लो आप। ठीक है, दिस इज वाई प्लस This is y plus 2 into y minus 4 plus 2 equals to 0. ठीक है, अब यहाँ पर मॉडुलस भी हो गया और वो भी हो गया हमारा। सर वो y minus 2 नहीं होगा, y root x minus 2 है ना? Yes sir. Root x minus 2, हाँ y minus 2 होगा, is equals to y है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वाई स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, है ना, ये आ गया आपके पास। आगे आपको पता है कैसे सॉल्व करना है ना? ठीक है जी, अब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वाई को टी ले लें तो यू विल गेट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको सॉल्व करें, फिर मॉडुलस के इक्वेट कर दें। ओके सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो मॉडुलस के क्वेश्चन में बस वैल्यू को ऐसा लिखना होता है सर, मतलब मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू ऐसा करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ना पंगे कहाँ पे होते हैं? पंगे हमारे हो जाते, जो मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ दोनों आ जाते टर्म, है ना। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये तो हमारे जो है वाई प्लस टू वाई माइनस टू, इसकी टर्म्स में सिर्फ सीधा वाई स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ पे प्लस वाई करके भी हो जाता मान लो, फिर आप यहाँ केस बनाकर करते, दो वे में सॉल्व करते, एक बार वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो लेते और एक बार वाई को लेस देन जीरो लेते, है ना। फिर दो बार क्वाड्रेटिक बनती और फिर दो बार सॉल्व कर रहे होते आप।
ठीक है क्लास, आगे कर लेंगे आप। यस सर। हाँ सर। ओके। If alpha beta are the roots of the equation this this this, then the least value of n for which this 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 equals to 1. इसको कहते हैं किस्मत, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल ही सर के ऊपर से निकल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो लगते हैं कि 9th-10th के क्वेश्चन है। तो लक फैक्टर्स प्ले, बट जिससे कि आईआईटी में दे आर यूजिंग सम एल्गोरिदम बेस्ड ऑन द रिजल्ट, कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ सेट्स ऑफ पेपर में मिलते हैं। फिर रिपेंट ऊपर कर दो, कुछ देखना तो ठीक है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वो तो मैं बता रहा था आपको। मुझे वही देखना था, वो तो मैं बता रहा था कि अगर y भी आ जाता तो फिर आप उसको दो बनाकर कर रहे होते, और यहाँ पर जो है ये आपका ये सेट आ रहा है, तो दिस इज ठीक है ना, दिस इज आप इसको t मानेंगे तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज। अरे पर दोबारा बता सकते हो, अगर y भी आ जाता तो कैसे करते? तो दो केस बनाते बेटा, एक जहाँ पर y को आप ग्रेटर देन 0 लेते, फिर मॉडुलस ऑफ y को जो है आप y से रिप्लेस कर देते। दूसरा केस जहां पर आप लेते हैं कि अगर y लेस देन 0 है, तो उस केस में आप मॉडुलस ऑफ y को जो है आप माइनस y से रिप्लेस करते हैं। अच्छा ओके सर। तो यहां पर आप देखेंगे तो कुछ हमें ना गिवन ही नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको अल्फा और बीटा ही निकालना पड़ेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यस सर। हाँ जी नमन तो बिल्कुल सही बोल रहा है सर, नमन कह रहा है कि सर एन को आप जीरो ले लें, बात खत्म। ठीक है, बट नमन यहाँ पर एक तो जीरो गिवन नहीं है ऑप्शन में, और दूसरा लीस्ट वैल्यू ऑफ एन बियर एन इज अ नेचुरल नंबर, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन होना चाहिए था, हमने क्वेश्चन में गलती निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप अल्फा बीटा ही निकाल लें। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर्मूला क्या भाई हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो दिस विल बी 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस माइनस एंड रूट ऑफ माइनस 4, वाओ, तो 2 बाहर आ गया तो 2 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बन गया। फिर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अच्छा जी, अल्फा जो है वो 1 प्लस आयोटा हो गया, बीटा जो है वो 1 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है ना? यस सर। तो अल्फा बाय बीटा क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2, 4 आ जाएगा शायद। 4 कैसे आ जाएगा? नहीं सर। ठीक है ना, ऊपर खोल लेते हैं तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका आयोटा आ गया, 4 ही होगा। हाँ 4 आ जाएगा आंसर। सर एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा था 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेस टू पावर n, अब फिर ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ओके हाँ जी, कोई कह रहा है सर अल्फा बीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो बेटा नेगेटिव की वैल्यू होने दो, है ना, एन इक्वल्स टू जीरो, बट एक सॉल्यूशन फिर भी बनता है, माइनस 5 होल रेज टू पास 0 इज 1 ओनली, है ना, ये माइनस 1 नहीं होता, ये 1 ही होता है। ठीक है, तो ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आईआईटी मेन में आया हुआ, तो कहने का मतलब ये कि बहुत डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं,
बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए, है ना, एंड देन इट्स अ केक वॉक. तो हार्ड वर्क इज व्हाट इट डिमांड्स, एवरेज प्लस माइंड प्लस हार्ड वर्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा इज द लैम्डा इज द रेशियो ऑफ ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक this this this, then the least value of m for which lambda plus 1 by lambda is 1. ठीक है, lambda root of the equation है, तो हमसे वो बोल रहा है कि lambda plus 1 by lambda is 1. इसका मतलब है alpha by beta plus beta by alpha, ये 1 होना चाहिए. alpha square plus beta square by alpha beta, ये 1 होना चाहिए. ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये वन होना चाहिए. ठीक है ना, ऊपर से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डालें, फिर सॉल्व करें, एम की वैल्यू आ जाएगी. फॉर टीचर क्वेश्चन था, छोड़ देते हैं इसे, देख लो एक बार कोई डाउट है तो. समझने वाला था ही नहीं कुछ इसमें. यस सर, वो भी सीधा सीधा क्वेश्चन था. ठीक है ना, अभी क्लास 10 आपकी भी है ना, पूरी फुल टू क्लास है ना, डोंट शाय अवे इन आस्किंग क्वेश्चन. लेकिन आपने अगर क्वाड्रेटिक पढ़ा ही नहीं है, 10th का रिवाइज नहीं किया है, है ना, 11th की आरडी शर्मा नहीं खरीदी है, तो डोंट डिस्टर्ब द क्लास. बट आपने की है, देन यू आर, यू हैव फुल राइट्स टू डिस्टर्ब द क्लास इफ रिक्वायर्ड. ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, सब खुद सॉल्व करें. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है, तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. क्वाड्रेटिक से ज्यादा एलजेब्रा का क्वेश्चन लग रहा है मुझे. हाँ जी, वेरी गुड सिद्धांत. वो स्टेटमेंट है ना, डर के आगे जीत है, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. डर खत्म करें, मेहनत करें, यू विल गेट सिलेक्टेड. सिद्धांत इनकम्प्लीट लग रहा है आपका आंसर ना. अच्छा, यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ और कुछ. ओके ओके ओके, वेरी गुड आनिया. चलो भाई देख लेते हैं, करेक्ट आंसर्स आ गए हैं मेरे पास. हेल्प कौन कर रहा है? ओके बेटिंग. हाँ जी सचेत, वेरी गुड. विजय आंसर नहीं आया. Thank you.
हाँ जी वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। ठीक है, एक रूट यहाँ पर हमारे पास अल्फा है, तो दूसरा रूट अल्फा क्यूब है ना। वन रूट इज क्यूब ऑफ द अदर, तो एक अल्फा दूसरा अल्फा क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा इंटू अल्फा क्यूब दिस इज इक्वल टू 256/81। अल्फा रेज टू पावर 4 इज 256/81। तो अल्फा कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 4/3 नहीं, प्लस माइनस 4/3। ध्यान रखना है ना, इवन पावर होती है तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो है अल्फा की वैल्यू जो है प्लस माइनस 4/3 आयोटा ये भी आएगी, है ना, बट इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। भाई चार वैल्यू होनी चाहिए ना, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो चार वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसी में देख रहे हैं बस, है ना। तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, ठीक है, बट सम ऑफ द रूट से तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आई गए हैं ना, अल्फा की वैल्यू आई गई है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 81। तो अल्फा की वैल्यू आप 4/3 डाल दें, अल्फा क्यूब विल बी 64/27, दिस इज माइनस के बाई 81, ठीक है। और एक बार आप नेगेटिव वैल्यू डालकर भी करें, -4/3 -64/27 इज माइनस के बाई 81। यहाँ से आपके पास के जो है वो 300 आ जाएगा, -300, यहाँ पर के जो है वो 300 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली है, देन अ वैल्यू ऑफ के इज, तो के की एक वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर पक्की बात है उसने प्लस 300 दिया होता, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग मिस कर जाते हैं माइनस साइन वाले को, ठीक है जी। डन डन डन। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को वापस के की टर्म्स में सॉल्व करूं, और मैं लेकिन इसको आयोटा लेकर कर लेता, है ना, तो k की वैल्यू आपका आयोटा के टर्म्स में इमेजिनरी फॉर्म में भी आ सकती थी, ठीक है, बट यहाँ पर रियल रूट्स वर्ड यूज किया था इसने, है ना। रूट अगर मैं वर्ड यूज करूं तो इमेजिनरी में भी सॉल्यूशन आएंगे। ये वाला समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, इसको भी लिख लेना, है ना, अगर पावर 4 हो तो चार सॉल्यूशन होते हैं, कौन से होते हैं। So if I am saying x raised to x square is equals to 1, तो x आपका plus 1 और minus 1, x raised to power 4 is equals to 1, तो x आपका क्या हो जाता है, 1 minus 1 iota minus iota। और मैंने अगर बात कर ली x cube equals to 1, कुशाग्र बताओ सर, 1 ही होगा, 1 Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Welcome, beta. Bye, bye.